अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल कॉर्नर में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा स्टाइल कुन फाया कुन के नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो बताऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है, अरमान की माँ की सहेली उसके घर आती है और कहती है कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई थी, क्या आप उसका रिश्ता करवाने में मेरी मदद करेंगी। जिस पर अरमान की माँ कहती हैं, ऐसा है कि मशल 5 साल की थी, माँ बाप मर गए एक्सीडेंट में, अब बूढ़ी दादी ने क्या तरबियत की है, मैं उसके किरदार की ज़मानत नहीं दे सकती। और इतने में मिशेल पीछे से आ जाती है और ये सारी बातें सुन लेती है और रोती रोती अपने घर भाग जाती है और घर जाकर प्लेटें भी तोड़ देती है और कहती है कि आपा जी, आज तो मेरे किरदार पर भी दाग लग गया है, उसका कुन भी अमीरों के लिए और फाया कुन भी। जिस पर आपा जी कहती हैं, ऐसी बातें तो कमज़ोर और बुजदिल लोग किया करते हैं। जिस पर मिशेल कहती है, हाँ हाँ मैं हूँ कमज़ोर और आज से बदकिरदार भी हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अरमान अपने घर आता है और आकर कहता है, ज़रूर आप लोगों ने ही कुछ कहा होगा उसे, इसीलिए तो वो गई है आपा जी के पास। तो उसकी माँ कहती है, तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ बहनों पर शक कर रहे हो। तो अरमान कहता है, शक नहीं यकीन है मुझे। तो व्यूअर्स, ये था कुन फाया कुन ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो। अब आप लोगों को क्या लगता है, अरमान जाएगा आपा जी के पास और जाकर कहेगा कि मुझे मिशेल से शादी करनी है, तो क्या आपा जी मान जाएंगी या फिर अरमान के रिश्ते को इनकार कर देंगी? और आपको इस ड्रामे में सबसे अच्छी एक्टिंग किस एक्टर की लगती है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।